कॉनिचीवा गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सीरियसली बता रहा हूँ यार, इस एनिमे को कितने सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे एट द एंड इसे देखना ही पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन की। अभी तक मैं इसे इग्नोर ही कर रहा था, बट अभी इसका सीजन 2 ऑन गोइंग है और यार इंटरनेट पे इसकी हाइप देख के सच्ची में लगा कुछ तो बात है यार इस एनिमे में। मैंने जुजुत्सु काइसेन कैचअप कर लिया है, यानी फर्स्ट सीजन जुजुत्सु काइसेन की 0 मूवी और सेकंड सीजन जो कि ऑन गोइंग है मैंने सारे देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सीजन का रिव्यू करेंगे, सो लेट्स बिगिन। जुजुत्सु काइसेन निकला था 2021 में और उसी समय से इस एनिमे ने जो फैन बेस बनाया है लिटरली एकदम जेन्युइन है और चुम्बेश्वरी फैन बेस यार, मतलब अभी तक इतने सारे सपोर्टर्स से खड़े हैं। जुजुत्सु काइसेन एक शोनन एनिमे है और इसके फर्स्ट सीजन में 24 एपिसोड्स हैं। जुजुत्सु काइसेन में कर्स होते हैं और उसे लड़ने या कह सकते हो मारने वाले जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं। ये है इस एनिमे का ब्रॉड आउटलाइन। इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स कर दिया है। एक तरह से कह सकते हो कि यार इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसी में फाइनल बॉस है। अब ये स्टेटमेंट आपको पहले दो एपिसोड देखने के बाद समझ आ जाएगा, सो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। जुजुत्सु काइसेन में मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जो कि यार इसका कॉन्स्टेंट एनिमे का फाइट सीन्स। यानी यार सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस एनिमे को देखने बैठोगे तो कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है या बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है, और यही जुजुत्सु काइसेन को थोड़ा यूनिक बनाता है। दैट इज़ वाई यार जुजुत्सु काइसेन पूरा समय हाइप्ड अप रहता है। और जुजुत्सु काइसेन की एनिमेशन तो टॉप क्लास है यार, मप्पा स्टूडियो ने जो बनाया है, और यही स्टूडियो है जिसने अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा और ऐसे शोज दिए हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। जुजुत्सु काइसेन में एक या दो ही एपिसोड्स में आपको थोड़ा बोर लग सकता है, जब वो शायद से क्योटो और टोक्यो वाले ग्रुप मिलते हैं, नहीं तो बाकी उसके बाद से तो यार एक्शन और ड्रामा पूरी सीरीज के एंड तक जाता है। अब बात करते हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो, यानी इस इंसान का। इसका नाम है गोजो सातोरु। सही में यार ये बंदा आउट ऑफ वर्ल्ड फेमस है इंटरनेट पे। मतलब किसी को इसका मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम पूरा नहीं पता होगा, लेकिन गोजो सातोरु का पता होगा। इसकी पावर तो तुम लोग एनिमे में ही देखना। और यार इसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस है और यही चीज थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का टाइप डाल देता है पूरे सीरीज में। और भी साइड कैरेक्टर्स हैं जैसे मेगोमी, नोबारा और भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। और यार एक चीज काफी ज्यादा अजीब लगी इस एनिमे में कि यार सारे कैरेक्टर्स बहुत लंबे लंबे हैं यार। मतलब एक दो को छोड़ के यार सारे कैरेक्टर्स इसमें लंबे हैं। मतलब सच्ची बता रहे हैं यार, अगर कोई बौना आदमी इस एनिमे को देख रहा होगा तो यार जल जल के वो तो सुसाइडी कर लेगा। और यार मेरे हिसाब से यार मेन रीजन जो यार जुजुत्सु काइसेन की पॉपुलैरिटी का है, वो पहली बात तो यार इसके फाइट सीन्स है, क्योंकि यार जो इसके फाइट सीन्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट पहले तो इन लोगों ने पूरे एनिमे में दिखाया है, और यार सारे फाइट सीन्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में बनाए गए हैं, तो गलती आपको पूरे फाइट सीन्स में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और यार दूसरा रीज़न जो इसका मतलब पॉपुलैरिटी का हो सकता है वो है कि यार ये जो एनिमे है इसका जो पूरा मतलब एज या टाइम बताया गया वो प्रेजेंट टाइम ही है, मतलब 2018-19 में ये एनिमे चल रहा होता है, मतलब अपने एनिमे के टाइम में। वैसे तो 2021 में निकला है, तो मतलब कि इससे लोग रिलेट कर पाते हैं कि यार हाँ ये हम लोग भी वर्ल्ड में हो सकता है, इसीलिए यार ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है मेरे हिसाब से। अब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन यार मेरे हिसाब से यही है कि यार इसका पहली बात तो फाइट सीन्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में बनाया गया है, और दूसरी बात तो ये कि यार ये मतलब कि प्रेजेंट टाइम का मतलब एनिमे एक तरह से कह सकते हो, और सॉर्करर्स और ये कर्स वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें हैं, तो इससे लोग रिलेट कर पाते हैं, इसलिए यार शायद से जुजुत्सु काइसेन अभी के समय पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यही थे यार मेरा ओपिनियन जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 के ऊपर। अब यार यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मतलब कुछ चीज़ों पे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो यार वो देखो यार पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग होता है, तो हमेशा मतलब कि तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल पाती, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो अगर यार तुम लोग को जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी का रिव्यू चाहिए तो यार इस वीडियो पर 20 लाइक्स कर दो, 20 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं उसका भी रिव्यू डाल दूंगा। और हाँ यार तुम लोग मुझे कमेंट्स में रिकमेंड कर सकते हो कि अगला एनिमे मैं कौन सा देखूं, और मैं तुम लोग को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यार थोड़ा मतलब मारपीट से हट के एनिमे का तुम लोग रिकमेंडेशन देना, मतलब मारपीट एकदम देखते देखते यार पागल ही हो गए हैं। अभी हंटर हंटर देखे थे, उसके बाद मान लो ये क्या कहते हैं डॉक्टर स्टोन देखे थे, फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक देखे थे, उसका भी रिव्यू अभी लाना है, तो अभी थोड़ा सा यार मारपीट देखने का मन नहीं कर रहा, मतलब एक्शन वाला ना रहे, थोड़ा सा ड्रामा वामा वाला दे सकते हो या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वाला चीज़ें, मतलब जैसा एनिमे तुम लोग को पसंद लगे, लेकिन थोड़ा एक्शन वाला एनिमे का तुम लोग रिकमेंडेशन मत ही देना। तो तुम लोग जाके कमेंट करो, और चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, पीस आउट।